आप सभी को सागर नाम भेज लेंगे हम लोगों की वही सहभागिता रहेगी जैसे अपने टाटा ट्रस्ट एक सौ चौतीस प्लेस का लगता है काम कैसे आइट लाइन की काम जो है वो नॉर्मल कर सकते हैं हर तालुका के कोई भी गाँव में कोई निवेदन आदरणीय शांतिलाल जी मूथा साहब से कि हम फिरोदिया साहब का अभिनंदन स्वागत और करें। साथियों, आज हमारे लिए पूरे भारतीय जैन संगठन परिवार के लिए पूरे जैन समाज के सभी जैन साथियों के लिए गर्व का मौका है हमारे बीच में हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन चार दशकों से काम कर रही है और चार दशकों से काम करने वाली हमारी संस्था को तीन पीढ़ियों से सहयोग करने वाले परम आदरणीय डॉक्टर अभय जी फिरोदिया परिवार आदरणीय नवलमल जी से आदरणीय अभय जी से और आदरणीय प्रसन्न जी फिरोदिया परिवार से जैसा आदरणीय भाऊ ने कहा कि आदरणीय नवलमल जी का आशीर्वाद लातुर के भूकंप से मिला आदरणीय साहब ने अहमदनगर के सुजलाम सुफलाम से से सहयोग देने लगाकर इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान इस संकट की घड़ी में सबसे पहले पूना 100 मोबाइल डिस्पेंसरी के माध्यम से डॉक्टर एट डोर स्टेप के माध्यम से उसके पश्चात स्वेप सेंटर का उद्घाटन करने से लगाकर अनेक भारतीय जनसंगठन की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जिन्होंने आशीर्वाद दिया मेरा परम निवेदन परम आदरणीय डॉक्टर अभय जी फिरोदिया से कि आपके वचनों से आपके विचारों से हमें अनुग्रहित करें परम आदरणीय फिरोदिया साहब भारतीय जैन संगठना के सभी मान्यवर कार्यकर्ताओं से नेताओं से मेरा नमस्कार अभिवादन ये सौभाग्य है मेरा कि आज मुझे आपने दो शब्द कहने के लिए यहां बुलाया है देश के अंदर अच्छा काम करना संकट निवारण का काम करना आर्थिक व्यवस्था सुधारने का काम करना यह बहुत बड़ा काम है इसमें शंका नहीं पर मैं जब शांतिलाल जी मुथा को देखता हूं और भारतीय जैन संगठना के काम के बारे में मुझे ज्यादा ज्यादा पता चल रहा है तो मुझे सबसे बहुत बड़ी बात जो लगती है वो ये है कि शांतिलाल जी सिर्फ वो काम नहीं करते हैं उन्होंने हजारों हजारों नए शांतिलाल मुथा निर्माण किए हैं सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के अंदर कर्तृत्वशाली और मूल्यों मूल्यों में आस्था रखने वाले कार्यशील लोग पैदा हुए समाज की जो शक्ति है वो इसी में है तो मैंने देखा है कि गत दो वर्षों में जब से मैं शांतिलाल जी के साथ में थोड़ा जुड़ा हूं तो मैंने बहुत प्रेम से ये देखा है कि उन्होंने क्या बढ़िया लोग प्रोत्साहित किए हैं युवाओं को वो इस कार्य में लाए हैं हमारे पूना में एक बड़े विचारक थे बाड़ा साहेब भारदे करके, के आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको शायद सुना भी होगा तो वो मुझे हरदम कहते थे के हर धर्म प्रवर्तक आज तक जितने भी हुए ऋषभ देव से लगा के तो महात्मा गांधी तक सत्य कह के गए सत्य और सत्य क्या है इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने सिद्धांत बनाए कि सत्य ये है सत्य वो है और जो एक सिद्धांत को जो फॉलो करने लग गए उनका एक संप्रदाय बन गया दुर्भाग्य ये है कि हम संप्रदाय को धर्म समझते हैं जैन समाज भी एक संप्रदाय है तो जैन समाज में होना यानी धर्म में होना ऐसा नहीं है धर्म ये सत्य है और सत्य सबका एक ही है उसको किस तरह से देखा जाता है ये अलग बात है पर जो संप्रदाय पहले थे उनको बांध के रखने की जो शक्ति संप्रदाय में थी वो अब इस आधुनिक युग में घटती जा रही है और इसलिए मुझे इस बात का बहुत कुतूहल है बहुत मैं इसका अभिनंदन करता हूं कि शांतिलाल जी ने जो हमारे मूल्य है सेवा शिक्षा साधना ये जैन समाज के मूल्य है इनको ना नज़रअंदाज करते हुए एक ऐसी जबरदस्त संस्था निर्माण की है कि जिसके माध्यम से जो हमारे विचार है हमारे समाज के हमारे धर्म मूल्य है उनको आगे बढ़ाने के लिए हजारों हजारों लोग कार्यान्वित हो सकते हैं और उन्होंने किए हैं भारतीय जैन संघटना ये तीन शब्द है भारतीय जैन और संघटना मुझे याद नहीं कि जब इन्होंने ये शुरू किया था तो इतने विचार पूर्वक किया था क्या भारतीय इस शब्द के अंदर हमारी देशभक्ति आती है हम भारतीय है इस भारत भूमि में जो जो उच्च विचार आज तक आए हैं उन उच्च विचारों का सम्मान करने वाले हम लोग हैं उन विचारों को पकड़ के चलने वाले हम लोग हैं तो हमारी देशभक्ति हमारी हमारे संस्कृति के प्रति जो आस्था है वो भारतीय शब्द में से आती है जैन ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जैन कौन जैन ये शब्द आपको आश्चर्य होगा सिर्फ पंद्रह सौ साल पुराना है भगवान महावीर जैन नहीं थे भगवान महावीर श्रमण थे तो हम श्रमण भगवान महावीर कहते हैं ऋषभ देव जो हजारों साल महावीर से हजारों साल पहले होके गए वो भी जैन नहीं थे वो भी श्रमण थे जैन ये शब्द वो है कि जो जिन जो थे उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं वो जैन तो इन्होंने ऐसे लोगों को साथ में लिया है कि जो जिन जिन मतलब जो जिन थे उनके मूल्यों को वो अपनाते हैं वो उनका एक मार्गदर्शक एक लाइट है एक मार्गदर्शक प्रकाश है और संघटना बहुत बड़ा शब्द है आधुनिक जगत के अंदर संघटना के बगैर कुछ नहीं हो सकता आप समझ ले इस बात को कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए तो वो बड़ी सेना लेके नहीं आए सिर्फ एक संघटना लेके आए कंपनी आए उनके पास में ऑर्गेनाइजेशन था उनके पास में सिस्टम थी उनके पास में ट्रेनिंग था उनके पास में कम्युनिकेशन था उनके पास में कोऑर्डिनेशन था उस संस्था के बल पर उन्होंने भारत जैसे विशाल देश के ऊपर कब्जा किया अब उन्होंने बुरा किया ये बात अलग है मैं उसमें नहीं जाना चाहता पर मैं ये मानता हूं, मैं ये हूं इस शब्द का बहुत बड़ा महत्व है और आगे भविष्य में जाके किसी भी देश को किसी भी समाज को किसी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो संघटना के साथ ही जाना पड़ेगा तो भारतीय जैन संघटना इसके अंदर में बहुत एक बड़ा विचार देखता हूं मैं सिर्फ एक कुछ हजार लोगों का झुंड नहीं देखता हूं मैं इसके अंदर एक आत्मीयता देखता हूं मैं इसके अंदर एक धर्म के मूल्यों के प्रति श्रद्धा देखता हूं और मैं कार्यक्षम होने के लिए जो चीजें चाहिए जो हमारे पास में कम्युनिकेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए डायरेक्शन चाहिए ये सब चीजें मैं इसमें देखता हूं तो शांतिलाल जी आपने एक बहुत बड़ा काम किया है और वो काम ये सिर्फ आज की जनरेशन नहीं आगे सब जनरेशन इसको याद रखेंगी महात्मा गांधी और पंडित नेहरू में एक बहुत बड़ा फर्क था महात्मा गांधी मानते थे कि हमारे देश की क्रांति ये विलेजेस से होगी हमारे देश की क्रांति लोगों को शामिल करके होगी उन्होंने खुद ने आगे आके अपना काम करना है अपने समाज अपने आर्थिक व्यवस्था का सुधार करना है उनका फोकस लोकल था हिंद स्वराज करके उनकी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने बताया है कि भारत आगे बढ़ेगा तो समाज के लोग अपने अपनी जगह पे काम करके जब समाज को बढ़ाएंगे तब भारत आगे बढ़ेगा पंडित नेहरू ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आदमी थे वो ये मानते थे कि नहीं जो रशिया के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर सेंट्रल प्लानिंग है और सब सरकारी अधिकारियों के हाथ में सब ताकत है और लोगों ने वो सरकार बोलती है वो मानना है सरकार पैसे देगी सरकार काम करेगी इस विचार ने इस देश का सत्यानाश कर दिया और आज जाके बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास होता है ये बात समझ में आती है कि वो बहुत बड़ी गलती थी लोग ही खुद का उद्धार कर सकते हैं और मुझे शांतिलाल जी को इस बारे में धन्यवाद देना है उनकी सराहना करनी है उनका अभिनंदन करना है कि उन्होंने सरकार जैसे राक्षस को जो जिसको जिसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है जिसके बारे जिसके एफिशिएंसी के बारे में आप किसी से भी पूछो अगर वो सच बोलने वाला है तो बोलता बेकार है ऐसे राक्षस को हाथ में लेके उन्होंने समाज का कार्य किया ये छोटी बात नहीं है आपके पास में बहुत पैसा है टाटा ट्रस्ट जैसा या इंफोसिस जैसा और आप खुद हो के काम करो तो एक बात है उसकी भी सीमा है पर शांतिलाल जी ने यह सीमा पार कर ली है उन्होंने एक तरफ समाज को इन्वॉल्व किया है समाज के युवाओं को इन्वॉल्व किया है समाज के युवाओं को प्रोत्साहित किया है प्रशिक्षित किया है कार्यान्वित किया है और दूसरी तरफ उन्होंने इस सरकार जैसे राक्षस को हाथ में पकड़ के उससे काम करवाया है सरकार से काम करवाना ये एक भगीरथ प्रयत्न है गंगा को धरती पे लाने वाला जो भगीरथ था वो भगीरथ इसलिए बड़ा माना जाता है और भगीरथ प्रयत्न इसलिए करते कि छोटा काम नहीं था तो सरकार से काम करवाना ये बहुत बड़ी बात है और शांतिलाल जी आपने ये किया मुझे बहुत आनंद है कि आपने आपके कार्य के साथ हमको जोड़ा है हमें खुशी है कि आप जो काम कर रहे हो वो हम समझने की कोशिश करते हो सकता है उतना आपके साथ जुड़ते हैं पर आप जो काम कर रहे हो वो जैन जा, समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान है आखिरी बात कह के मैं अपना छोटा सा भाषण खत्म करूंगा बहुत सारे लोग ये समझते हैं जैन लोग ये समझते हैं कि जैन धर्म के प्रस्तापक महावीर थे जैन धर्म के प्रस्तापक महावीर नहीं थे महावीर आखिरी तीर्थंकर थे जो जैन धर्म हम अहिंसा सत्य अस्ते वगैरह समझते हैं वो पार्श्वनाथ भगवान ने महावीर से 300 साल पहले कह दिया था महावीर ने दो बातें सिर्फ ऐड की बहुत ही चमत्कारिक अत्यंत प्रभावशाली बातें हैं। एक तो अनेकांतवाद मतलब कोई एक चीज बराबर नहीं है हर एक का सत्य अलग हो सकता है अनेकांतवाद इस सिक्के की दूसरी बाजू सियादवाद है सियादवाद मतलब आग्रह नहीं करना कि मैं कह रहा हूं वो बराबर है शायद आप कहते हो वो भी बराबर है मेरे भाषा में मेरे एक्सप्रेशन के अंदर एक प्रकार का मार्दव मृदुता शालीनता आनी चाहिए तो मैं आपकी बात भी मान सकता हूं और मैं कहता भी हूं तो बड़े सज्जनता से प्रेम से कहता हूं ये एक बात महावीर ने करी और दूसरी बात महावीर ने दुनिया का जो एक विचार है वो पर्यावरण की ओर खींचा महावीर ये दुनिया के पहले एनवायरमेंटलिस्ट थे और उन्होंने हम सबको ये सीख दी है कि वृक्ष है पानी है ये बहुत महत्वपूर्ण है हर हर प्राणी महत्वपूर्ण है पर जैन समाज इस बात के ऊपर अटक के रहे तो वो अधूरी बात है मैं ये मानता हूं कि जैन समाज का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक रूप से व्यवहारिक रूप से व्यक्तिगत रूप से संपत्ति का निर्माण करना है संपत्ति का निर्माण ये जैन धर्म का मूल मूल्य है ये बात ऋषभदेव ने कही है उन्होंने क्रिएट वेल्थ ऐसा अंग्रेजी में नहीं कहा था उन्होंने असी मसी कसी वा, व्यापार वाणिज्य विद्या वगैरह बातें कही थी उन्होंने शांति अहिंसा ये नहीं कहा या उसका उन्होंने विरोध नहीं किया पर उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया कि आप कार्यान्वित हो आप कुछ निर्माण करो आप समाज को बढ़ाओ समाज को सक्षम बनाओ ये जो सीख है ये सीख जैन समाज का बैकबोन है मराठी में कहते तो हम कणा है वी आर स्ट्रांग बिकॉज वी क्रिएट वेल्थ पर वो जो हम वेल्थ क्रिएट करते हैं जो वेल्थ हमारे पास में है जो वेल्थ हम संजोग के रखते हैं उस वेल्थ का हम सदुपयोग करते हैं ये सदुपयोग जो है ये महावीर से आया है और कार्यक्षमता जो है वो ऋषभ देव से आई है तो चौबीस तीर्थंकरों का ये जो बहुत बड़ा कार्यकाल था हजारों वर्ष का उसके अंदर जो सीख हमको मिली है उसका एक अंग हमने कार्यक्षम रहना ये है ये बात नॉर्मली कोई जैन साधु आपको बोलेगा नहीं आपको सिर्फ अहिंसा वगैरह की वो बात कहेंगे वो आपको श्रवण धर्म सिखलाते हैं श्रवण वो जो साधु है हमको श्रावक धर्म सीखना है श्रावक वो जो जैन समाज का अनुयायी है मूल्यों का अनुयायी है उसने कार्यान्वित रहना चाहिए कार्यक्षम रहना चाहिए और उसने अपनी शक्ति को जनसाधारण के लिए जग के लिए वापरना चाहिए ये बात प्रत्यक्षिक रूप से शांतिलाल जी मुथा ने हमें बताई है मुझे बहुत आनंद है कि इन मूल्यों से आज हमारे समाज के ऊपर जो असर हो रहा है और इन मूल्यों की वजह से हमारे समाज में नए नए शांतिलाल मुथा निर्माण हो रहे हैं इसके लिए हम उनको धन्यवाद दे उतना कम है नमस्कार